व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज विवेक और आज तकरीबन कुछ 7th of September है और फिलहाल अभी शाम के तक दोपहर के अभी तकरीबन कुछ 4 बज रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी मतलब दो फोन लेके घूम रहा आज, मतलब सिंगल फोन मैंने पूरी तरह से स्विच नहीं किया। मैंने अगले महीने मोबाइल लिया हम सर। अरे जुलाई में ना बुक के ले लिया है, हाँ तो अलग अगस्त के, तो मतलब अभी एक महीना कुछ 4-5 दिन होने वाला अभी, और मैंने अभी तक मतलब प्रॉपर उस वीवो वाले फ़ोन से इस फ़ोन में मैंने स्विच नहीं किया है। तो मेरे को मतलब इसमें स्विच बहुत कुछ करना चाहिए था मेरे को, जैसे कि उसमें का सारा फोटोज़ वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह, टेलीग्राम, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ था जो मेरे को उसमें सारा कुछ शेयर करना था, ट्रांसफ़र करना था, बट मेरे को ना वो आलस लग रहा था रोज का, मतलब करने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ सीन था, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा था। तो इसलिए मतलब सोचता आजकल करते उसमें ना डाटा बहुत ज़्यादा लग जाने वाला, तो इसलिए मेरे घर पे तो राउटर है नहीं जो मैं उतना नेट अफोर्ड कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा था। बट फाइनली मैंने थोड़ी बहुत रोज़ करके मैंने थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर ही दिया है। और अभी फिलहाल मैं आज एक ही फ़ोन लेके आया, और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, प्रशांत जा रहा है, मतलब हनुमान मंदिर जा रहा है एग्जैक्टली। और मेरा हाथ इतना ज़्यादा दुख रहा था, मतलब मेरे को थोड़ी देर में मेरे को ये वाला हाथ इतना ज़्यादा शोल्डर पे पेन कर रहा है, इसलिए मेरे को हाथ नीचे कर जाना पड़ रहा है। कल मैं यही टी शर्ट फिलहाल पहन के गया था और मैं सोचा था मम्मी से, मैंने डांट वैसे भी खा ही लिया है क्योंकि मैं खाना खा के ही जा रहा हूँ। मम्मी ने बोला था कि अगर तू मंदिर ही जा रहा है तो पूजा ही कर लेना, बट मैंने खाना खा लिया है और वो भी यही कपड़ा पहन के, तो इसलिए मम्मी से मेरे को डांट खाना पड़ गया है। अभी बस हम लोग को मतलब जाने वाला, मैं जाने वाला, प्रशांत जाने वाला है, रोहित जाने वाला है, पंकज जाने वाला है, शायद राहुल, तो नहीं बस ठीक है कि बस ये वाला सिनेमेटिक एंजॉय करो। तो गाइस मैं सोचा था कि हम लोग का बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम लोग को प्लानिंग 3:30 बजे तक निकल जाने का, ताकि वहाँ पर पहुँचे 4:00 बज ही जाएगा, 5:30-6 बजे तक यहाँ पे तो धूप उतर ही जाता है, तो इसलिए हम लोग सोचा था जल्दी निकल पाऊंगा। लेकिन अभी टाइमिंग कुछ हो रहा है, देखो 4:15 हो रहा है, ठीक है, ये बंदा दिख रहा है, ये बंदा अभी आ ही रहा है, मतलब इतना लेट कर रहा नहीं है, फिर पंकज भी लेट कर, मतलब अभी ये लोग खाना खा के आ रहा है, हमेशा मैं लेट करता हूँ या ये लेट करता है तो बोलते हैं हमेशा, आज ये लोग लेट करा, मैं बताता हूँ इसको। बज रहे 5 बजने वाले, मतलब आते हैं तो मतलब तकरीबन 4:30 बजे निकल जा चुका था, जला ही नहीं, एक चौक लग गया दुपट्टी। एक टाइम हुआ करता था हम लोग, मतलब सबको आया था, मतलब उस टाइम पे हम लोग बहुत कोई था, मतलब पंकज था, मतलब सब कोई था, मतलब मुकेश नहीं है इस बार और विश्व नहीं, बाकी हम लोग सभी को यहाँ पे आया, मतलब हम लोग स्कूल टाइम से यहाँ पे आने लगा। तो क्या पीछे जो आपको दिख रहा नहीं है पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे टी प्लांट उधर है, मैंने आपको जैसा कि दिखाया था सिनेमैटिक में था, और इधर मतलब क्या वो चपत्ती वगैरह बनता है, तो बस यही है, मतलब फिलहाल मेरे सारे दोस्त उधर, मैं उधर ब्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि वो उधर का मतलब चपत्ती वाला बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है, इसलिए मैं उधर नहीं कर रहा हूँ। दो फोटो मेरे फ़ोन से खींचेगा, दो फोटो उसके फ़ोन से खींचेगा, दो फोटो अपने से तो 50 खींच लेगा। अरे सरनाम प्रबद्धे बोलिए बजरंग बली की जय, श्याम रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय। एक साल बाद फिर से आया, मतलब बहुत टाइम बाद यहाँ पे आया, मतलब बहुत मतलब आया करता था स्कूल टाइम पे, मतलब वीक या मंथ 2 महीने पे यहाँ पे आया करता था, बट अभी यहाँ पे आना बंद हो जाता है, मतलब सभी अपने अपने काम में बिजी है ना। ठीक है, रोहित भी अपने हनुमान चालीसा पूरा पढ़ा भी है, पूरा पढ़ा भी है, पूरा पढ़ा तू
पूरा पढ़ा पढ़ा स्कूल टाइम में जब हम लोग था 12th क्लास में तब हम लोग मतलब रोज यहाँ पे घूमने के लिए आया करता था, बट आज आजकल यहाँ पे मतलब सालों बाद यहाँ पे फिर से आ रहा, मतलब अभी तो पंडित जी भी चेंज हो जा चुके हैं। स्कूल टाइम में जब था तब मतलब 1-2 महीने में हम लोग रोज आया करता था, 2 महीने में तो आ ही जाता करता, बट साइकिल से कभी आया था कभी स्कूटी से भी आया, हम लोग ऑटो से आया जाया करता था। वही बस यहाँ पे जो भी है मतलब थोड़ा घूमते थे, क्योंकि अभी 5:30 तो बजी जा चुके हैं, 7:45 तक निकलने का कुछ फैसला है, 7:30-7:45। अभी हम भी है, रुक जा मैं इसको बंद करते हैं। पहले हम लोग के साथ पे ऐसा ही कुछ होता है, मतलब यहाँ पे जो देख रहा है ना, यहाँ पे स्कूटी लेके कुछ आंटी आई है और उनके पास मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रसादी है, तो मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हम लोग भी जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कभी कभी कर, अगर ज़्यादा का खिलाता हूँ तो खुद ही बुलाता हूँ मतलब, तो अभी आंटी ने खुद ही इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है ना आपके, मैं सबको मतलब वो आंटी खिला रही है, ये पता नहीं इतना ज़्यादा नॉइज आ रहा, मेरे को पता नहीं मेरा साउंड यहाँ तक पहुँच भी रहा होगा या नहीं पता। जैसे कि हम लोग हमेशा आया करते थे तो यहाँ पे मतलब ये मतलब ये ना रोड भी पहले ठीक नहीं हुआ, पूरा टूटा हुआ टूटा फूटा सा रोड हुआ पड़ा था, बट अभी रोड बहुत ज़्यादा क्लीन मतलब साफ, मतलब ये पुल भी फिलहाल ठीक ही हुआ है, मतलब पेंट वेंट किया गया कुछ, क्योंकि ना ये काट का पुल है, मैं आपको दिखाता हूँ पुल कैसा है, मतलब मैं पूरा वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ, मतलब ये चारों तक आगे चल रहा है, ये मतलब पूरा काट का यहाँ पे बना पड़ा है, अभी तो ये हिल भी नहीं रहा, पहले ये हिल रहा था और यहाँ पे भी ये कुछ ज़्यादा ही अरे अरे कूद के देखना डूबेगा क्या, तू लंबा है ना हम लोग में से, कतड़ो के खिलाड़ी गलती से भी गिर गया ना, यहाँ से भी गिरेगा फाका में, ये सीधा नीचे चला जाएगा, नहीं नहीं वाटर प्रूफ नहीं है इस ब्रिज पे, मतलब वो चीज़ एक तो नया ऐड, माल गिर जाऊंगा, अगर गिर गया तो मसाला का फोन भी जाएगा, मैं तो जाऊंगा अलग से, मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली मतलब इस व्यू पॉइंट में आपको दिखाता हूँ वो लोग मतलब कैसे शूट कर रहे थे, मतलब दिखाता हूँ वो जो पॉइंट है ना एग्जैक्टली यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे हम लोग मतलब फोटो शूट कर रहा था। बाकी एनी वेज मतलब वन प्लस में मतलब जो क्या बोलता है नेचुरल डिटेलिंग जो है इतना मस्त आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको वीवो से शूट करता हूँ तो शायद ये जो पत्ते वगैरह आपको जो डिटेलिंग में वो मतलब इतना क्लियरली नहीं दिखता, बट इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, और मैंने पूरा मतलब जो भी शूट कर रहा पूरे हाथ से शूट कर रहा है, सिनेमेटिक वगैरह देख रहा है उसमें भी हिलेगा तो नहीं, क्योंकि इसमें स्मूथनेस तो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से, इसलिए आपको मतलब थोड़ा शेकीनेस तो आपको दिखेगा नहीं, तो हाँ आई डोंट नो कितना लंबा जाने वाला है, कम से कम तो 10-15 मिनट तक मेरे को जहाँ तक लग रहा ही होने वाला है, मेरा शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, पहले तो उससे मैं थोड़ा सा नीचे उतारता हूँ और थोड़ा सा रेस लेके मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोग जब दोस्त के साथ आया था हम लोग कुछ वहाँ पे मतलब वहाँ पे हम लोग गया हुआ था और कुछ उसका ट्रैकिंग करके मैं हम लोग वहाँ पे शायद उधर के साइड में मैं हम लोग स्कूटी रखा था, तो वहाँ से हम लोग मतलब कैमरा जब फोटो क्लिक कर रहा था ना उधर का पूरा का व्यू आ रहा था, उधर पूरा पहाड़ी पहाड़ है तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था, और उधर एक ये फिशिंग कर रहे एक आदमी, ये उधर ये फिशिंग कर रहे फिलहाल फिलहाल मतलब पीछे का ब्लॉग आपको सनसेट का मतलब बहुत मस्त दिख रहा है, दिख रहा है आपका सनसेट हो रहा है, धूप तो इधर है, धूप तो इधर रहा है तो फोटो इधर क्यों क्लिक कर रहा है, भी अच्छा रहेगा, वो नहीं नहीं वो पीला कलर का चश्मा पहन कर रखा है ना तो इसलिए थोड़ा उसको नशा चढ़ गया है, मैं सोच रहा था मैं त्रिशा को भी लेते आऊं घुमाने के लिए, जो छोटी वाली बहन है ना मतलब वो तकरीबन 30, त्रिशा हमेशा गोदी गोदी करती थी मेरे को, मतलब मैं गोदी उठाने से मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुखने लगता, इसलिए मैंने उसको लेके नहीं आया, देखो कितना मस्त लग रहा है ना, इधर हरियाली इधर ये मतलब कुछ चार मतलब आठ क्या बताओ, छोड़ो इन लोगों को इग्नोर मारना, इधर भी हरियाली नीला आसमान वाह। मैं आपको जो व्यू दिखाने वाला था मैं अपने घर से भी दिखाने वाला था, मतलब जो दिखता है ना मतलब इतना मस्त आपको दिखने के लिए भी लगता है, मतलब पीछे से तो हॉर्न मार रहा है तो अलग ही सीन में नशे में देखना, वाह चचा हाँ कुछ ज़्यादा ही नशे में था, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं आपको जब व्यू दिखाने वाला था मैं दिखाता हूँ इसे, मतलब देखो ये पहाड़ दिख रहा है, यही स्किप कर देगा, ये पहाड़ इतना मस्त लग रहा है ना, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, मतलब मेरे घर के वहाँ से इतना डिटेलिंग से दिखता है, अगर ये थोड़ा और टाइम मतलब धूप के टाइम पे आता ना तब आपको और डिटेलिंग में दिख रहा, क्योंकि वो जो बादल है ना इतने मतलब धूप में लाइट करता तो वो दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगता, इसका भी अलग ही मज़ा है, मतलब हम हैं हमारे दोस्त लोग हैं और ये व्यू है अगर रिकॉर्डिंग हुआ ना तुम जो बोला अभी
डाल दूंगा ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पता है, वो उतने स्पेसिफिक वर्ड जो बोला ना अभी शुद्ध वचन, उसको मैं काट के स्टेटस लगाऊंगा। अधिकारी ऐसा है ना पंकज, तू खैनी खा रहा है क्या? खैनी खाता है तू? हाँ कब से? तू अभी बोला नशा नहीं करता है, तू बोला नशा नहीं करता है, तू नशा करता है क्या? खैनी करता है? फालतू बात कर रहा हूँ लड़का, स्टोरी फुल कर रहा है। हाँ बात 256 GB स्टोरेज नहीं होगा फूल भाई, नहीं हो जाएगा 4K में शूट हो रहा है, 4K में 256 GB में बात कर रहे हैं, 256 GB। हमने मतलब इस तरफ क्यों घूमने के लिए गया था, इधर क्यों नहीं गया हम लोग? मतलब इधर पे कुछ नोटिस बोर्ड लगा हुआ, उधर बफर जोन, जूम करके दिखा, बफर जोन लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक अटेंशन मिल गई, यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जैक्टली, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइडर आर नॉट अलाउड विद द मैनेजर परमिशन। जब तक हम लोग का मतलब यहाँ पे जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी मैनेजर वगैरह है उन लोग से विदाउट परमिशन का हम लोग अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर वही लोग जा सकते हैं जो काम करते हैं ना, जो पत्तियाँ वगैरह उठाते हैं वही लोग अंदर जा सकते हैं। चलो ठीक है, अभी वैसे भी अंधेरा हो ही जा रहा है, 6 बजने तक मैं यहाँ पे अंधेरा भी हो जा चुका है। अभी हम लोग का वहाँ पे अंधेरा भी नहीं हुआ होगा, हालांकि यहाँ से तकरीबन कुछ 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर हम लोग दूर आया हुआ, ज़्यादा ही होगा मतलब 10 किलोमीटर पकड़ के रखो, बट यहाँ पे धूप अंधेरा हो जा चुका है। फिलहाल भी निकल दे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी का प्यास लगा हुआ है, और मैं जब बोल रहा हूँ ना मेरे गले में बिल्कुल नहीं, मेरे को पानी पीने में, घर से खाना खाने के ही मैं निकल गया था, मैंने पानी भी, मैं हमेशा पानी आधे घंटे बाद ही पीता, आधे घंटे 1 घंटे बाद, जैसे मैंने पानी भी नहीं पिया था, और अभी बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ फिलहाल। अभी फिलहाल तो शाम जो हो जाता है, मतलब संध्या का टाइम हो जाता है, मतलब अभी तो थोड़ा कैमरा क्वालिटी भी गिर गया होगा, लाइट वगैरह नहीं है, बट यहाँ से आपको मतलब मंदिर का भी मैं बाहर से आपको व्यू दिखा था, मतलब कितना शांत इस टाइम, कितना अच्छा सा लग रहा है अभी, मतलब इसका नाइट मोड बहुत ज़्यादा बेटर, देख रहे हो कितना सब मस्त लग रहा है। इधर हम लोग मतलब घूमने के, इधर से नदी के लोग मतलब गया हुआ था घूमने के लिए, और ये है मंदिर का पूरा व्यू, अंदर से तो और ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अंदर से दिखाया नहीं, यहाँ पे पंटर लोग तो यहाँ पे हमेशा आपको मिलेंगे जब पूजे आओगे आप लोग, मतलब यहाँ का तो सबसे व्यू पॉइंट सबसे अच्छा वाला जो है ना, अभी मतलब रात हो जा चुका है इसलिए मेरे को अभी फ्लैश ऑन करके मेरे को ब्लॉक करना पड़ा, मतलब हमने जब स्कूटी, जब इसके पास भी स्कूटी था, प्रशांत के पास भी स्कूटी था, तब हम लोग घूमने के लिए जब आया था तब कुछ यहाँ पे हम लोग मतलब स्कूटी लगा के, उसके बाद यहाँ से पूरा व्यू दिखता है ना, इतना मस्त सा लगता है, मतलब अभी आपको अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा बट सुबह के टाइम पे इतना अच्छा सा लगता है ना यहाँ के दिखने में। अभी फिलहाल हम लोग मतलब निकल ही रहे हैं क्योंकि अभी कुछ 6:10 मतलब 10 से 15 मिनट में इतना ज़्यादा सूरज डूब जा चुका है ना, मतलब अभी थोड़ा आउटसाइडर है फिलहाल यहाँ पर, मतलब पोल पर लाइट्स भी नहीं लगा हुआ था, मतलब अभी अंधेरा हो जाने के बाद अंधेरा जाने वाला, और वहाँ पे मतलब आपको जो दिख रहा है ना वहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब जो ट्रॉली जाते हैं वहाँ पे मतलब वेट किया जाता है, वैसे फिलहाल यहाँ पे गांव का भी स्कूल है यहाँ पे, तो अभी बस निकलते हैं फिलहाल। और ये जो लोकेशन है ना फिलहाल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मासे डाबरी टी स्टेट रंगापारा टी एसोसिएटेड लिमिटेड, मतलब यहीं से मतलब ऑलमोस्ट चाय का मतलब यहाँ से सप्लाई होता है। फिलहाल मतलब रोहित भी जा चुका है और पंकज भी अपना दुकान उधर जगह, अधिकारी को ट्यूशन पढ़ाने जाना था तो वो भी उतना ट्यूशन पढ़ाने चला जा चुका है, तो फिलहाल मैं हूँ प्रशांत देगर, बस आज का दिन बस इतना ही रहा, आई होप का कोई छोटा मोटा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, आई होप कल भी क्या था टीचर जो है उसका भी ब्लॉग अपलोड करूँगा और इसका भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, कल या परसों इसका भी अपलोड हो जाएगा, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जो भी हो, पता नहीं मैं सुबह को अपलोड करता हूँ या शाम को, तो रात को, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।